हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपको अपनी आज की शॉपिंग दिखा रही हूँ। दिवाली सेलिब्रेट हो गई, अब दोबारा से अपने शॉप के ऊपर आ गई हूँ मैं। और आज मैं सर्दियों के विंटर फ्लावर्स की पौध लेके आई हूँ। जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी दिखाया, मैंने बीज भी लगाए हुए हैं। और जैसे हम लोगों के यहाँ बीज का जो मौसम है वो अब आया था, 15 दिन पहले अभी मैंने सीड्स ग्रो किए हैं, तो वो यहाँ पर सीड अभी उग सकते हैं। और जो सीड्स हमने अभी लगाए हैं वो अब उगते उगते 10-15 दिन महीना लेंगे, तो उनके जो फूल हैं वो अगले महीने आएंगे। और ये जो पौध लिए मैंने, ये मेरा ख्याल नैनीताल वगैरह से कहीं से आती है, और वहाँ पे मौसम हमसे पहले ठंडा होना शुरू हो गया था, तो उन वहाँ की पौध जो है वो जल्दी तैयार हो गई है। और अब हमारे यहाँ सर्दी आ गई है, तो इस टाइम अभी हमारे यहाँ सर्वाइव कर जाएगी, तो इसलिए ये अभी तो मैं ये लेके आई हूँ पौध, ताकि अभी ये वाले फूल लग जाएंगे और फिर जब अपने यहाँ की पौध लगेगी तो वो फिर उसको फिर अब वो लगेगी तो उसको नेक्स्ट मंथ वो लगाएंगे। और अगर हम अपने यहाँ की पौध पर ही बैठे रहें तो फिर नेक्स्ट मंथ लगा पाएंगे। तो अगर आप लोगों अगर हम जल्दी लगाते हैं हमारे यहाँ की पौध की अब तक तैयार हो जाए तो वो लगती नहीं, क्योंकि उसके लिए रातों को ठंडा होना ज़रूरी होता है। वो दिवाली के आसपास ही बीज लग सकते हैं हमारे जो पहाड़ों के अलावा जो कम ठंडे इलाके हैं वहाँ पर अभी इतनी बड़ी नहीं हो सकती है पौध, तो इसलिए ये अगर आपके वहाँ भी जहाँ आप रहते हैं मिलती हैं तो अगर जल्दी फूल चाहते हैं तो आप ऐसी पौध ले आइए। और इनमें फ्रेंड्स एक फ़ायदा और होता है कि ये जो इन्होंने प्लांट्स तैयार किए हुए हैं, ये प्लांट्स जो है वो इम्पोर्टेड सीड्स आते हैं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बहुत महंगे वाले सीड्स आते हैं, वो अवेलेबल भी नहीं होते घरों में लगाने के लिए, वो ये लोग ही लेके आते हैं जो प्रोफेशनल्स लगाते हैं, सीड्स ग्रो करते हैं जो मतलब प्रोफेशनल लेवल पे बेचने के लिए। ये महंगे आते हैं और ये हाइब्रिड सीड्स होते हैं, और हम जो लगाते हैं वो महंगे से महंगा अगर पैकेट भी ले आए तो भी वो ये क्वालिटी, ये रंग, ऐसा वेरिएशन, ये सब नहीं आ पाता है उनमें। इसलिए ये वाले जो पौध होती हैं ये लेना अच्छा रहता है, अगर आप इसको अच्छी तरह से बचा सको और इसको अच्छी तरह से खाना दे के अच्छे इनको बड़े प्लांट्स बना सकते हैं हम, तो ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो देखिए मैं कौन कौन से लाई हूँ, एक तो ये पेटूनियाज लाई हूँ, कितने प्यारे प्यारे, मुझे ये पेटूनिया बहुत अच्छे लगते हैं। इनका कुछ नाम होता है इस पैटर्न का, मुझे याद नहीं आ रहा। ये देखिए ये वाले हैं, ऐसे तो सीड से भी लग जाते हैं जो हम अपने घरों में सीड लगाते हैं, ये वाले थोड़े से मुश्किल होते हैं लगने। और फिर अपने पसंद के, कई बार क्या होता है एक से ही सारे गुलाबी से लग जाएंगे या लाल से, सफ़ेद बहुत लगते हैं, जो हम सीड से लगाते हैं उनमें वाइट बहुत ज़्यादा लगते हैं पिटूनिया। तो ये देखिए ये अच्छे अच्छे कलर्स आपको पौध में क्या होता है देख के आप ले आए कलर्स। और एक और चीज़ कि जब भी आप प्लांट लेके आएँ तो देख के लाएँ कि उसमें बहुत सारी कलियाँ आ रही हों, जैसे आप ये देख रहे हैं वर्बिना, कितने सारे इसमें बर्ड्स आ रही हैं। तो हमेशा आप ऐसा प्लांट सेलेक्ट करें जिसमें फूल कम हो और बर्ड्स ज़्यादा हों। ये देखिए इसमें भी बर्ड्स कितनी हैं, तो ये ट्रिक होती है प्लांट को सेलेक्ट करने की। ये देखिए ये मैं पिटूनियाज लाई हूँ, कितने प्यारे प्यारे हैं, ये वर्बिना लाई हूँ। इनमें एक फ़ायदा हो जाता है कि आपको जैसा जैसा प्लांट चाहिए, जो रंग के फूलों का चाहिए वो देख के आप ले आते हैं। और ये पेंजी देखिए, पेंजी मैं लगाती हूँ घर में, जो सीड ग्रोन होते हैं वो इतने बड़े बड़े नहीं आ पाते हैं मेरे, और कलर्स भी हमारी सिलेक्शन के नहीं आ पाते, हमारी चॉइस के नहीं आ पाते जो हमें अच्छे लगते हैं। ये एक और है पेंजी, ये और पेंजी है, दो उधर और पेंजी हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। ये डायंथस हैं, देखिए डायंथस भी अपने कलर चॉइस के बंदा ले आता है। ये देखिए ये वाले, और उधर भी हैं, ये देखिए, और वो उधर वर्बिना का पिंक कलर कितना प्यारा है। एक ये डायंथस है, और एक ये डायंथस, ये वर्बिना,
ये कलर और भी बहुत जगह देखने को मिल जाता है। लास्ट ईयर मैंने वर्बीना जो सीड ग्रोन लगाए थे वो सारे पिंक कलर के और वाइट कलर के निकले थे। ये कोलियस की वैरायटी देखी लाई हूँ मैं, इन्हें ये दो एक से आ गए गलती से। ये वाला कोलियस देखिए और एक ये कोलियस, ये वाला कोलियस। कोलियस की बहुत वैरायटी थी, मुझे कोलियस बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए जिरेनियम है, अभी ये दो रंग ही मिले हैं मुझे। मैंने भी जिरेनियम को रखा हुआ था प्रिजर्व करके, देखती हूँ अब वो लगेगा तो दिखाती हूँ आप लोगों को, अगर लग जाता है तो दिखाऊंगी। जिरेनियम के और कलर्स भी आते हैं, ये मैं 70 रुपीज़ का लाई हूँ जिरेनियम, और बाकी ये जो है वर्बीना वगैरह ये 30 रुपीज़ ईच लाई हूँ। ये देखिए जरबेरा कितना प्यारा कलर है इसका, जरबेरा का ये जरबेरा मैं 100 का लाई हूँ और ये वाला जरबेरा 80 का लाई हूँ। ये थोड़ा छोटा फूल है पर मुझे इसका येलो कलर बहुत अच्छा लगा। ये देखिए सिनेरेरिया लाई हूँ, सिनेरेरिया बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बिल्कुल बंच में फूल खिलते हैं और सीड से लगाओ तो लगते हैं, वही फिर कलर की प्रॉब्लम आती है, वैरायटी और कलर जो इन लोगों के यहाँ मिलते हैं वो। मैं सीड ग्रोन भी अगले महीने तक उग जाएंगे, दिखाऊंगी आपको लगा के, उनके फूल जो है वो नेक्स्ट मंथ तक आएंगे। ये सिनेरेरिया भी मैं 60 रुपीज़ ईच लाई हूँ। और ये देखिए ये अलग तरह का एक पेटूनिया लाई हूँ, डबल पेटूनिया, ये देखिए इसको डबल पेटूनिया कहते हैं। आइए देखिए गेंदा, गेंदे के मैंने बीज लगाए हैं और मैं अपने बैकयार्ड में, आपने देखी होंगी मेरी पहले वीडियोस भी, बहुत गेंदे के प्लांट्स लगाती हूँ, उसके मैंने अभी बीज लगाए हूँ। मैंने बैकयार्ड ओवरव्यू में दिखाई भी थी छोटी छोटी पौध लगी हुई, वो मैं वहाँ लगा लूँगी, लेकिन वो वही बात है, अब वो छोटी पौध है, अभी अगले महीने तक खिलेगी और मुझे अभी अच्छा लग रहा था गार्डन में फ्लावर्स मुझे दिखे ये बहुत सारे, तो मैं अभी ये 5-6 पेड़ ले आई हूँ कि अभी मीनवाइल जब तक वो प्लांट्स बड़े होते हैं तब तक इनको लगा देंगे। और वो तो मैं फिर इतने लगाती हूँ आपको दिखाऊंगी बैकयार्ड में, वो तो करीब 100 पेड़ ही लगाती होंगी मैं, बहुत पेड़ प्लांट्स बन जाते हैं मेरे। ये देखिए ये पिटूनिया, ये भी डबल पिटूनिया है, ये गजानिया, लेकिन गजानिया की मेरे पास 5-7 और हैं छोटे छोटे, अभी सीड से लगाए हुए हैं, वो छोटे छोटे प्लांट हैं, वो 7 या 8 हैं अभी, वो भी मैं अभी आपको छत का जब कुछ बनाऊंगी वीडियो तो दिखाऊंगी। ये पेंजी और अगेन ये पेंजी छोटा सा, और ये देखिए ये पिटूनियाज, ये डायंथस, ये अगेन ये गजानिया। मैं एक्चुअली बोलते बोलते भूल भी जाती हूँ, अब तो मेरी बेटी को भी डॉटर को भी बहुत नॉलेज हो गई है, मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देती है कि ये वाला प्लांट है डायंथस, बोलते बोलते फ्लो में आप भूल जाते हैं कई बार कौन सा प्लांट है। ये सारे देखिए पिटूनियाज हैं और वो पेंजी हैं उधर, ये डबल पिटूनिया का देखिए एक और, देखिए डबल पिटूनिया का एक और कलर है। वैसे मुझे सिंगल पिटूनिया ज्यादा पसंद है पर ये थोड़ा डिफरेंट था इसलिए मैं ले आई हूँ। और ये देखिए अभी मैं इनका मिक्सचर तैयार कर रही हूँ, ये इसमें मिट्टी डाली हुई है और ये देखिए इसके नीचे, ये देखिए ये मिट्टी है, इसके नीचे ये बजरी है, देखिए जो मैं आपको कहती हूँ, ये देखिए नीचे बजरी डाली हुई है और उसके ऊपर ये मिट्टी डाली है। अब इसमें इतनी सेम जितनी मिट्टी डाली है उतनी ही क्वांटिटी की इसके ऊपर अब हम खाद डालेंगे। तो ये मिट्टी तैयार कर रही हूँ मैं, इक्वल इक्वल तीनों चीज़ें, सैंड सॉइल एंड खाद। और ये देखिए मेरी शॉपिंग, और
ये गमले लेके आई हूँ। अभी गमले तो और लाने पड़ेंगे, जगह नहीं थी इतने, 10-10 ही लाई हूँ अभी गमले ये मैं। और अब बस मैं इनको लगाने का काम करूँगी। देखिए ये एक मैं दिवाली पे बुद्धा लाई थी, हमारे यहाँ दिवाली पे ये ऐसे जो हैं वो इन बहुत ज़्यादा बिकते हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मैं हर बार ले आती हूँ। ये मैं बुद्धा लेके आई हूँ, इनको अब किसी जगह अरेंज करूँगी। ये जो मैंने साइकिल्स रखी थी इनके ऊपर मैंने ये रखे हैं, तो आप थोड़ा और सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं क्या रखूँ। अभी मैंने ये स्पाइडर प्लांट्स रखे हैं इसके ऊपर, तो फ्रेंड्स ये मेरी प्लांट्स की आज की शॉपिंग है। ये जो गेंदे हैं ये 30-30 रुपीस के लाई हूँ मैं, कोलियस 70 का पड़ा है मुझे, और बाकी ये छोटी वाली प्लांट्स जो हैं 30 रुपीस। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको आज की शॉपिंग दिखाई। अगर आपके यहाँ भी पौध मिल रही है तो आप पौध को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि ये वाला कलर्स ये हम लोग बीज से जो उगाते हैं उनमें नहीं मिल पाते हैं। बीज वाले भी दिखाऊंगी मैं आपको उग जाएंगे तो, और फिर हम मैं कंपैरिजन दिखाऊंगी आपको कि उनके और इनके कलर्स में क्या फ़र्क होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।